अब प्रश्न में हमें दिए गए फलन का लेखा चित्र या फिर ग्राफ खींचना है। पहला प्रश्न है y इक्वल टू माइनस थ्री साइन एक्स। तो y इक्वल टू माइनस थ्री साइन एक्स में हम x के स्थान पर जो डिग्री है, स्टैंडर्ड मान है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300 और 330 और अंत में 360 डिग्री की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें साइन एक्स का मान मिलेगा और फिर उसमें हम माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वाई का मान मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रत्येक एक्स के संगत हम वाई का मान निकालेंगे और इसे हम एक सारणी के रूप में पहले लिखेंगे और जब सारणी बन जाएगी तो उसे बिंदु के निर्देशांकों के रूप में हम दिए गए ग्राफ पेपर पे पहले प्लॉट करेंगे और फिर उन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक चिकना वक्र खींचेंगे जो कि दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा या फिर दिए गए समीकरण का रेखा चित्र होगा। तो चलिए देखते हैं। जब x इक्वल टू जीरो होगा तो साइन x हमें जीरो मिलेगा और फिर माइनस थ्री साइन x भी हमें जीरो मिलेगा, लेकिन जब x का मान 30 डिग्री होगा तो साइन x का मान हमें 0.5 मिलेगा, 1/2 अर्थात 0.5, और इसमें हम माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा -1.5। जब x इक्वल टू 60 डिग्री पुट करेंगे तो साइन x का मान मिलेगा 0.87 और इसमें यदि माइनस थ्री का गुणा करें तो हमें मिलेगा -2.61। इसी तरीके से जब x का मान 90 डिग्री पुट करेंगे तो साइन x या साइन 90 हमें 1 मिलेगा और इसमें यदि माइनस थ्री का मल्टीप्लाई करें तो हमें -3 मिलेगा। जब x का मान 120 डिग्री पुट करेंगे तो साइन x का मान मिलेगा 0.87 और इसमें -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -2.61। जब x इक्वल टू 150 डिग्री रखेंगे तो साइन x का मान मिलेगा 0.5 और इसमें जब -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1.5। जब x का मान 180 डिग्री होगा तो साइन x या साइन 180 डिग्री 0 मिलेगा और इसमें -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमें 0 मिलेगा। जब x का मान 210 डिग्री होगा तब x का मान -0.5 मिलेगा और इसमें -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.5। और जब 240 डिग्री x का मान हम रखेंगे तो sin x का मान मिलेगा -0.87 और जब इसमें -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2.61। इसी प्रकार जब x का मान 270 डिग्री पुट करेंगे तो sin x का मान हमें मिलेगा -1 और जब इसमें हम -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3। जब x का मान 300 डिग्री रखेंगे तो sin x का मान मिलेगा -0.87 और इसमें -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2.61। जब x का मान 330 डिग्री रखेंगे तो sin x का मान मिलेगा -0.5 और इसमें जब -3 का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.5। और अंत में जब x इक्वल टू 360 डिग्री रखेंगे तो sin x का मान या sin 360 डिग्री का मान हमें 0 मिलेगा और इसमें जब -3 का गुणा करेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो इस तरीके से x के मान को हम x अक्ष पर और y अर्थात -3 sin x के मान को y अक्ष पर निरूपित करेंगे। तो इस तरीके से जो दिए गए या हमें जो प्राप्त बिंदु है 0 डिग्री 0, 30 डिग्री -1.5, 60 डिग्री -2.61, 90 डिग्री -3, 120 डिग्री -2.61, 150 डिग्री -1.5, 180 डिग्री 0, 210 डिग्री 1.5, 240 डिग्री 2.61, 270 डिग्री 3, 300 डिग्री 2.61, 330 डिग्री 1.5 और 360 डिग्री 0। ये हमें एक क्रमिक युग्म मिल रहा है। इनको हम बिंदुओं के रूप में पहले प्रदर्शित करेंगे। तो ये बिंदुए हैं। अब इन बिंदुओं को होते हुए हम एक वक्र खींचते हैं या एक चिकना वक्र खींचते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिखाई देता है जो कि दिए गए समीकरण का ग्राफ है। अगला प्रश्न है y इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस एक्स। इसका हमें लेखा चित्र खींचना है या फिर ग्राफ खींचना है। तो फलन y इक्वल टू 1/2 कॉस एक्स
इसका जो आवर्तनांक है ये 2 पाई है, अर्थात तो अंतराल माइनस 2 पाई से 2 पाई के बीच में हम x और y के संगत मानों का हम एक सारणी बनाएंगे और फिर उसको बिंदु के रूप में प्रदर्शित करते हुए उससे मिलाते हुए एक वक्र खींचेंगे जो कि दिए गए फलन y इक्वल टू 1 बाई 2 cos x को प्रदर्शित करेगा। तो इसके लिए ग्राफ बनाने के पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं जिसमें x cos x और 1 बाई 2 x को निरूपित करेंगे। तो जब x का मान 0 होगा तो cos x का मान 1 होगा और इसे यदि 1 बाई 2 से गुणा करें तो हमें मिल जाएगा 0.5, अर्थात ये हमें क्रमिक युग्म में मिल गया 0 डिग्री और 0.5। x का मान जब 30 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान 0.87 होगा और इसे 1 बाई 2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.44। इसी प्रकार जब x का मान 60 डिग्री होगा तो cos x का मान 0.5 होगा, अब इसे 1 बाई 2 से गुणा करें तो हमें मिल जाएगा 0.25। जब x का मान 90 डिग्री होगा तो cos x का मान 0 होगा और इसमें हम 2 का भाग दें या फिर 1 बाई 2 का गुणा करें तो हमें मिलेगा 0। जब x का मान 120 डिग्री होगा तो cos x का मान -0.5 होगा और इसमें यदि 1 बाई 2 का गुणा करें तो हमें मिल जाएगा -0.25। जब x इक्वल टू 150 डिग्री होगा तब cos x का मान -0.87 मिलेगा, इसमें 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई करें तो -0.44 मिलेगा। जब x का मान 180 डिग्री होगा तब cos x का मान -1 मिलेगा और इसमें यदि 1 बाई 2 का गुणा करें तो हमें मिलेगा -0.5। x का मान 210 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान -0.87 मिलेगा और इसमें 1 बाई 2 का गुणा करें तो -0.44 मिलेगा। जब x का मान 240 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान -0.5 मिलेगा और इसमें 1 बाई 2 का गुणा करें तो हमें मिलेगा -0.25। इसी प्रकार जब x का मान 270 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान 0 मिलेगा और 1 बाई 2 का गुणा करेंगे तब भी 0 मिलेगा। x का मान जब 300 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान 0.5 मिलेगा और 1 बाई 2 से इसका गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.25। 330 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान 0.87 मिलेगा और इसमें 1 बाई 2 का गुणा करेंगे तो 0.44 मिलेगा। जब x का मान 360 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान 1 मिलेगा और इसमें 1 बाई 2 का गुणा करेंगे तो हमें 0.5 मिलेगा। तो 0 से लेकर के 360 डिग्री के लिए हमने ये टेबल बना लिया है और इस टेबल को हम आगे बढ़ाते हैं जब हम इन्हीं कोणों को माइनस डिग्री के लिए लिखेंगे, अर्थात पहले हम लेते हैं -30 डिग्री। तो cos ऑफ -थीटा cos थीटा होता है, तो इस तरीके से जब x के स्थान पर -30 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान 0.87 मिलेगा और इसमें भी 1 बाई 2 का गुणा करेंगे तो हमें 0.44 मिलेगा। इसी प्रकार cos -60 डिग्री या x बराबर -60 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान 0.5 मिलेगा और इसमें 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 0.25। x का मान जब -90 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान 0 मिलेगा और 1 बाई 2 इंटू cos x का मान भी 0 मिलेगा। जब x का मान -120 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान -0.5 मिलेगा और इसमें 1 बाई 2 का गुणा करेंगे तो -0.25 मिलेगा। x का मान जब -150 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान -0.87 मिलेगा और इसमें यदि 1 बाई 2 का गुणा करें तो हमें मिल जाएगा -0.44। इसी प्रकार जब x का मान -180 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान मिलेगा -1 और इसमें 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -0.5। x का मान यदि -210 डिग्री रखें तो cos x का मान मिलेगा -0.87 और इसमें 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा -0.44। जब x का मान -240 डिग्री रखेंगे तो cos x का मान मिलेगा -0.5 और इसमें 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -0.25। x का मान यदि -270 डिग्री हो तो हमें cos x का मान 0 मिलेगा और 1 बाई 2 इंटू cos x का मान भी 0 मिलेगा।
एक्स का मान यदि हम -300 डिग्री पुट करें तो कॉस एक्स का मान 0.5 मिलेगा, और 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करें तो 0.25 मिलेगा। -330 डिग्री रखें यदि एक्स का मान, तो कॉस एक्स मिलेगा 0.87, और 1/2 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 0.44। और अंत में -360 डिग्री रखेंगे एक्स का मान, तो हमें कॉस एक्स 1 मिलेगा, और इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 0.5। तो इस तरीके से हमें क्रमिक युग्म मिल गया है 0, 0.5, 30, 0.44, 60 डिग्री, 0.25, 90 डिग्री, 0, 120 डिग्री, -0.25, 150 डिग्री, -0.5, 210 डिग्री, -0.45, 240 डिग्री, -0.25, 270 डिग्री, 0, 330 डिग्री, -0.25, 380 डिग्री, -0.45, 360 डिग्री, 0.5, फिर -30 डिग्री, -120 डिग्री, -0.25, -150 डिग्री, -0.44, -60 डिग्री, 0.25, -90, -90 डिग्री, -120 डिग्री, -0.25, -150 डिग्री, 0, -300 डिग्री, 0.25, -330 डिग्री, 0.44, और अंत में -360 डिग्री, 0.5। ये जो क्रमिक युग्म हमें मिले हैं इसे हम पहले ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं बिंदुओं के रूप में, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक चिकना वक्र खींचते हैं जो हमें इस प्रकार दिखाई देगा, और यही दिए गए समीकरण को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है y = -cos x का ग्राफ खींचिए। तो y = -cos x के ग्राफ खींचने के लिए पूर्व की भांति हम प्रत्येक x के संगत y का मान ज्ञात करेंगे, और फिर इन बिंदुओं फिर इन प्राप्त क्रमिक युग्मों को बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित करेंगे, और फिर अंत में इन सारे बिंदुओं को एक चिकने वक्र के द्वारा मिला देंगे। तो चलिए देखते हैं, जब x का मान 0 होगा तब cos x का मान हमें 1 मिलेगा, और -cos x का मान मिलेगा -1। cos पाई बाई 4 या x का मान जब पाई बाई 4 रखेंगे तो cos x का मान 0.7 मिलेगा, और माइनस का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा -0.7। x का मान पाई बाई 2 रखेंगे तो cos x का मान भी 0 मिलेगा, और -cos x का मान भी 0 मिलेगा। जब x का मान 3 पाई बाई 4 रखेंगे तो cos x का मान -0.7 मिलेगा, और जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.7। x का मान जब पाई रखेंगे तो cos x का मान मिलेगा -1, और इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1। x का मान जब पाई बाई 4 रखेंगे तो cos x का मान मिलेगा -0.7, और -cos x का मान मिलेगा 0.7। x का मान जब 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो cos x का मान 0 मिलेगा, और -cos x का मान भी 0 मिलेगा। x का मान जब आप 7 पाई बाई 4 रखेंगे तो cos x का मान 0.7 मिलेगा, और -cos x का मान -0.7 मिलेगा। इसी प्रकार x का मान जब आप 2 पाई रखेंगे तो cos x का मान 1 मिलेगा, और -cos x का मान -1 मिलेगा। x का मान जब आप -2 पाई रखेंगे तो cos x का मान 1 मिलेगा, और -cos x का मान -1 मिलेगा। x का मान -7 पाई बाई 4 रखेंगे तो cos x का मान 0.7 मिलेगा, और माइनस से गुणा करेंगे तो मिल जाएगा -0.7। x का मान -3 पाई बाई 2 रखेंगे तो cos x का मान 0 होगा, और -cos x का मान भी 0 होगा। x का मान जब -5 पाई बाई 4 रखेंगे तो cos x का मान -0.7 मिलेगा, और इसमें जब माइनस का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0.7। इसी प्रकार जब x का मान -5 रखेंगे तो cos x का मान -1 मिलेगा, और इसमें जब माइनस का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1। x का मान -3 पाई बाई 4 रखेंगे तो cos x का मान -0.7 मिलेगा, और इसमें जब माइनस का गुणा करेंगे तो 0.7 मिलेगा।
एक्स का मान जब माइनस पाई बाई टू रखेंगे तो कॉस एक्स का मान जीरो मिलेगा और माइनस कॉस एक्स का मान जीरो मिलेगा। एक्स का मान जब माइनस पाई बाई फोर रखेंगे तो कॉस एक्स का मान 0.7 मिलेगा और माइनस कॉस एक्स का मान माइनस 0.7 मिलेगा। अब ये जो बिंदुएं मिली है हमें एक्स अक्ष में जो हमने कोणों का मान रखा था, एक्स में जो एक्स के स्थान पर हमने जो कोण का मान रखा था उसे हम एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करेंगे और माइनस कॉस एक्स का मान जो हमें प्राप्त हुआ है उसे वाई अक्ष पर निरूपित करेंगे। तो इन बिंदुओं को पहले हम प्लॉट कर लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक चिकना वक्र खींचते हैं और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और ये ग्राफ दिए गए समीकरण y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है y इक्वल टू माइनस थ्री कॉस एक्स, इसका हमें ग्राफ खींचना है। तो इसके लिए भी हम प्रत्येक x के संगत y का हम मान ज्ञात करेंगे और पहले इसे टेबल के रूप में बनाएंगे और फिर इन बिंदुओं का उपयोग करते हुए इसे हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे और अंत में उन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए एक वक्र खींचेंगे जो दिए गए समीकरण y इक्वल टू माइनस थ्री कॉस एक्स को प्रदर्शित करेगा। चलिए एक सारणी बना लेते हैं कुछ इस तरीके से और इसमें हम x का मान रखते जाएंगे। जब x का मान जीरो होगा तब cos x हमें 1 मिलेगा और y अर्थात माइनस थ्री कॉस एक्स का मान हमें माइनस थ्री मिलेगा। x का मान पाई बाई सिक्स रखने पर cos x का मान 0.87 मिलेगा और इसमें माइनस थ्री का जब गुणा करेंगे अर्थात y का मान माइनस 2.61 मिलेगा। x का मान पाई बाई थ्री है तब cos x का मान 0.5 होगा और माइनस थ्री cos x का मान माइनस 1.5 होगा। x का मान पाई बाई टू रखने पर cos x का मान 0 और माइनस थ्री cos x का मान 0 मिलेगा। x का मान 2 पाई बाई थ्री रखने पर cos x का मान माइनस 0.5 मिलेगा और माइनस थ्री का गुणा करने पर 1.5 मिलेगा। x का मान 5 पाई बाई सिक्स रखेंगे तो cos x का मान माइनस 0.87 मिलेगा और इसमें माइनस थ्री का गुणा करेंगे तो 2.61 होगा। x का मान जब पाई रखेंगे तो cos x का मान माइनस 1 होगा और इसमें जब माइनस 3 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3। x का मान 7 पाई बाई 6 रखने पर cos x का मान माइनस 0.87 मिलेगा और इसमें माइनस 3 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 2.61। x का मान 4 पाई बाई 3 रखेंगे तो cos x का मान माइनस 0.5 मिलेगा और इसमें माइनस 3 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1.5। x का मान जब आप 3 पाई बाई 2 रखेंगे तो cos x का मान 0 मिलेगा और माइनस 3 cos x का मान भी 0 मिलेगा। x का मान 5 पाई बाई 3 रखने पर cos x का मान 0.5 मिलेगा और माइनस 3 से गुणा करने पर y का मान माइनस 1.5 मिलेगा। x का मान 11 पाई बाई 6 रखेंगे तो cos x का मान 0.87 होगा और माइनस 3 का गुणा करने पर अर्थात y का मान माइनस 2.61 मिलेगा। x का मान 2 पाई रखने पर cos x 1 होगा और माइनस 3 cos x का मान माइनस 3 मिलेगा। x का मान माइनस पाई बाई 6 रखेंगे तो cos x का मान 0.87 मिलेगा और माइनस 3 का गुणा करेंगे अर्थात y का मान तो ये आपको माइनस 2.61 मिलेगा। x का मान माइनस पाई बाई 3 रखने पर cos x 0.5 होगा और माइनस 3 cos x का मान माइनस 1.5 होगा। x का मान माइनस पाई बाई 2 रखने पर cos x का मान 0 और माइनस 3 cos x का मान भी 0 होगा। x का मान माइनस 2 पाई बाई 3 रखने पर cos x का मान माइनस 0.5 मिलेगा और माइनस 3 cos x का मान 1.5। इसी प्रकार आगे माइनस 5 पाई बाई 6 जब x का मान रखेंगे तो y का मान अर्थात माइनस 3 cos x का मान 2.61 होगा। माइनस पाई रखने पर y का मान 3 मिलेगा। x का मान माइनस 7 पाई बाई 6 रखने पर y का मान माइनस 2.61 मिलेगा। x का मान माइनस 4 पाई बाई 3 रखने पर y का मान माइनस 1.5 मिलेगा। x का मान माइनस 3 पाई बाई 2 रखने पर y का मान 0 मिलेगा। x का मान माइनस 5 पाई बाई 3 रखने पर y का मान माइनस 1.5 मिलेगा। x का मान माइनस 11 पाई बाई 6 रखने पर y का मान माइनस 2.61 मिलेगा। x का मान माइनस 2 पाई रखने पर y अर्थात माइनस 3 cos x का मान माइनस 3 मिलेगा। तो इस तरीके से हमें जो क्रमिक बिंदु मिले हैं
या क्रमिक युग्म हमें मिला है, इन बिंदुओं को हम रेखाचित्र पर प्लॉट करेंगे। x का जो मान हमने लिया था उसे x अक्ष पर और जो हमें मान प्राप्त हुआ था उसे y अक्ष पर निरूपित करेंगे। तो इस तरीके से ये जो बिंदुएं दिख रही है ये उस तो ये टेबल से प्राप्त बिंदु है और इन बिंदुओं को मिलाते हुए इस प्रकार हम एक वक्र खींच देते हैं, एक चिकना वक्र खींचते हैं जो कि दिए गए समीकरण का प्रतिरूपण है। अगला प्रश्न है y इक्वल टू माइनस टेन एक्स का ग्राफ खींचिए। तो इसमें भी हम प्रत्येक x के संगत में y का मान ज्ञात करेंगे एक टेबल के रूप में और फिर उसका उपयोग करके हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो चलिए पूर्व प्रश्न की भांति इसका भी हम टेबल बनाते हैं। x का जब मान 0 रखेंगे तो tan x 0 मिलेगा और माइनस tan x भी 0 मिलेगा। x का मान जब आप पाई बाई 6 रखेंगे तो tan x का मान 0.58 मिलेगा, तो इसे हम लगभग 0.60 मान करके चलेंगे। अब इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस 0.6। x का मान जब आप पाई बाई 4 रखेंगे तो tan x का मान मिलेगा 1 और माइनस tan x का मान मिलेगा माइनस 1। इसी प्रकार x का मान पाई बाई 3 रखने पर tan x का मान मिलेगा 1.732 और माइनस का जब गुणा करेंगे तो मिलेगा माइनस 1.732। तो लगभग दशमलव के दो स्थान तक यदि इसका मान लिखें तो हम लिखेंगे माइनस 1.73। इसी प्रकार पाई बाई 2 जब रखेंगे x का मान तो हमें इन्फिनिटी मिलेगा और माइनस tan x माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। और जब x का मान पाई बाई 2 प्लस 0 रखेंगे तो tan x का मान माइनस इन्फिनिटी मिलेगा और माइनस tan x का मान प्लस इन्फिनिटी मिलेगा। अब चूंकि हम प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को नहीं दर्शा सकते इसलिए हम संकेत के रूप में एरो का इस्तेमाल करके वहां पर इन्फिनिटी या फिर एरो के साइन के साथ में माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे। अब जब x का मान 2π/3 रखेंगे तो tan x का मान माइनस 1.73 मिलेगा और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y का मान 1.73 मिलेगा। इसी प्रकार जब x का मान 3π/4 पुट करेंगे तो tan x का मान माइनस 1 मिलेगा और इस पर जब माइनस का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1। x का मान 5π/6 रखने पर tan x का मान लगभग माइनस 0.6 मिलेगा और माइनस tan x का मान 0.6। x का मान पाई रखने पर tan x और माइनस tan x दोनों 0 मिलेगा। x का मान माइनस पाई बाई 6 रखने पर tan x का मान माइनस 0.58 मिलेगा, लगभग माइनस 0.6 ले सकते हैं। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.60 मिलेगा। x का मान जब माइनस पाई बाई 4 रखेंगे तो tan x का मान माइनस 1 मिलेगा और माइनस tan x का मान 1 मिलेगा। x का मान माइनस पाई बाई 3 रखने पर tan x का मान माइनस 1.73 मिलेगा और इसमें माइनस का गुणा करने पर y का मान माइनस 1.73 मिलेगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं x का मान माइनस पाई बाई 2 प्लस 0 तो tan x का मान माइनस इन्फिनिटी और माइनस tan x का मान प्लस इन्फिनिटी। और x का मान माइनस पाई बाई 2 माइनस 0 रखने पर tan x का मान इन्फिनिटी और माइनस tan x का मान माइनस इन्फिनिटी। x का मान माइनस 2 पाई बाई 3 रखने पर tan x का मान 1.73 और माइनस tan x का मान माइनस 1.73। x का मान माइनस 3 पाई बाई 4 रखेंगे तो tan x का मान माइनस 1 मिलेगा और माइनस tan x का मान 1। x का मान माइनस 5 पाई बाई 6 रखेंगे तो tan x का मान माइनस 0.58 मिलेगा और माइनस का गुणा करने पर 0.58। और x का मान जब माइनस पाई रखेंगे तो tan x का मान 0 और माइनस tan x का मान भी 0 मिलेगा। तो इस तरीके से इन प्राप्त संगत मानों का इस्तेमाल करके इसे हम ग्राफ पर निरूपित करते हैं और इन बिंदुओं को मिलाने पर जो वक्र है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए ये तीन अलग अलग भाग के रूप में है, तो इसका मतलब ये कि ये जो वक्र है या कर्व है या फंक्शन है यह सभी स्थानों पर वास्तविक मान नहीं देता, इस वजह से ये ग्राफ जो है वो तीन अलग अलग भागों में दिखाई दे रहा है। तो यह ग्राफ दिए गए प्रश्न y इक्वल टू माइनस टेन एक्स को निरूपित करता है।
अगला प्रश्न है y इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स का ग्राफ खींचिए जबकि 0 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और इक्वल टू 2 पाई, अर्थात x का मान धनात्मक मानों के लिए अर्थात 0 से 2 पाई के बीच में जो धनात्मक मान होते हैं उसके लिए हमें ग्राफ खींचना है। तो आपने y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ देखा हुआ है और यहां पर y इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स है, तो साइन एक्स में यदि हम 3 जोड़ें, साइन एक्स में यदि हम 3 जोड़ें तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स। तो अतः y इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ को 3 इकाई ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हम जब स्थानांतरित कर देंगे जो कि कुछ इस प्रकार होगा, तो y इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स का ग्राफ हमें मिल जाएगा जो कि y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 के मध्य स्थित है। अतः ये जो चित्र ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है ये y इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स का ग्राफ है। त्रिकोणमितीय समीकरण या ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, वह समीकरण जिसमें एक या अधिक अज्ञात कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों का समावेश होता है त्रिकोणमितीय समीकरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पर cos थीटा इक्वल टू रूट 3 बाई 2, साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई 2 या फिर साइन एन एक्स इक्वल टू कॉस एम एक्स या फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 इत्यादि। त्रिकोणमितीय समीकरणों के मूल, रूट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस, अज्ञात कोण जो कि समीकरण में हमें चर राशि है, अज्ञात कोणों के वे मान जो दिए गए त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करते हैं उसके मूल कहलाते हैं। जैसे कि cos थीटा इक्वल टू 1/2 हो तो मूल थीटा इक्वल टू पाई बाई थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या फिर पाई बाई 3 तथा थीटा इक्वल टू 300 या फिर 5 पाई बाई 3 है, क्योंकि थीटा इक्वल टू 60 डिग्री या 360 डिग्री रखने पर cos थीटा इक्वल टू 1/2 संतुष्ट होता है। त्रिकोणमितीय समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन, त्रिकोणमितीय समीकरण के सभी संभव मूलों का समुच्चय उसका हल कहलाता है। अब बात करते हैं मुख्य हल की या फिर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वे मूल जो 0 से 2 पाई या फिर 0 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य स्थित होते हैं मुख्य हल कहलाते हैं। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 हो तो थीटा के ऐसे मान जो कि 0 से 360 के बीच में है वह है 45 डिग्री और 135 डिग्री। तो इस तरीके से इस समीकरण के लिए मुख्य हल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री और 135 डिग्री हुआ। व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन, त्रिकोणमितीय फलनों के आवर्ती गुणों के कारण त्रिकोणमितीय समीकरण को संतुष्ट करने वाले कोणों के मान संख्या में अनंत होते हैं। थीटा के वे सभी मान जिस व्यापक व्यंजक से निरूपित होते हैं समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। समीकरणों के व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, तो पहला देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल। माना कि परिक्रामी रेखा OP अपनी प्रारंभिक स्थिति OX से घूमकर कोण POX इक्वल टू थीटा बनाती है, तब PM लंब होता है OX पर, तब बिंदु P से हमने X अक्ष पर लंब खींचा PM, तो इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज OMP निर्मित हो रहा है। तो इसमें हम देखें तो साइन थीटा इक्वल टू PM अपॉन OP, तो इससे यह स्पष्ट है कि साइन थीटा इक्वल टू 0 होगा यदि PM इक्वल टू 0 हो। इस स्थिति में OP किरण OX तथा OX डैश से संपाती होगा। जब OP किरण OX पर है तो थीटा इक्वल टू 0 या फिर प्लस माइनस 2 पाई या फिर प्लस माइनस पाई बाई 4 इत्यादि हो सकता है, और जब OP किरण OX डैश पर है तो थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई या फिर प्लस माइनस 3 पाई या फिर प्लस माइनस 5 पाई इत्यादि मान मिलेगा। इसलिए थीटा इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई प्लस माइनस 4 पाई इत्यादि, तो थीटा इक्वल टू पाई का पूर्ण गुणज होगा। अतः साइन थीटा इक्वल टू 0 का व्यापक हल थीटा इक्वल टू एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई है, अर्थात एन जो है एक पूर्णांक संख्या है।
अब दूसरे समीकरण cos थीटा इक्वल टू जीरो का व्यापक हल देखते हैं। चूंकि cos थीटा इक्वल टू ओ एम अपॉन ओपी है, इक्वल टू जीरो होगा यदि ओ एम इक्वल टू जीरो हो, अर्थात ओपी ओ आई तथा ओ आई डेस स्थिति में हो। इसलिए थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू इत्यादि धनात्मक दिशा में हमें मिलेगा, या फिर थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस फाइव पाई बाई टू इत्यादि, ये हमें ऋणात्मक दिशा में मिलेगा। अतः थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई टू का विषम गुणज ये हमें मिलेगा। तो इस तरीके से हम व्यापक लिख सकते हैं, तो इस तरीके से हम व्यापक हल लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई है, अर्थात एन कोई पूर्णांक संख्या है। तीसरा समीकरण टेन थीटा इक्वल टू जीरो का व्यापक हल, टेन थीटा इक्वल टू पी एम अपॉन ओ पी इक्वल टू जीरो तभी होगा जब पी एम इक्वल टू जीरो हो। तो पूर्व समीकरण की भांति व्यापक हल जो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई। चौथा समीकरण कॉस थीटा इक्वल टू वन का व्यापक हल, कॉस थीटा इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ पी इक्वल टू वन तभी होगा जब ओ एम इक्वल टू ओ पी, अर्थात ओ पी ओ एक्स के संपाती हो, तब थीटा इक्वल टू जीरो, टू पाई, प्लस माइनस फोर पाई, प्लस माइनस सिक्स पाई इत्यादि होगा। अतः व्यापक हल हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टू एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई है। पांचवा समीकरण कॉट थीटा इक्वल टू जीरो का व्यापक हल, चूंकि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है तो इक्वल टू जीरो होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो होगा। अतः कॉट थीटा इक्वल टू जीरो का व्यापक हल थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, जहां एन बिलोंग्स टू आई, अर्थात एन कोई पूर्णांक संख्या है। कोसेक थीटा इक्वल टू जीरो और सेक थीटा इक्वल टू जीरो की कोई भी हल नहीं होते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा और सेक थीटा का मान कभी भी शून्य नहीं होता। इनका परास कोसेक थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन व सेक थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन होता है। उन सब कोणों के लिए व्यापक व्यंजक ज्ञात करना जिसकी ज्या एक ही है। मान लो समीकरण साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, जहां अल्फा समीकरण को संतुष्ट करने वाला न्यून कोण है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसलिए साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र का उपयोग करें तो इसे हम लिख सकते हैं टू टाइम्स कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। इससे आगे हमें मिलेगा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है, अर्थात पहला पद भी शून्य के बराबर हो सकता है और दूसरा पद भी शून्य के बराबर हो सकता है। तो इसे हमें मिलेगा कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो अथवा साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। तो यदि कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो हो, तब हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई है। तो इस तरीके से इसे हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई। इसे समीकरण एक नाम देते हैं। यदि साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो हो, तब थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू पी पाई होगा। अब इसे यदि सरल करें तो थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू टू पाई, यह समीकरण दो। तो समीकरण एक से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई माइनस अल्फा, यह समीकरण तीन। और समीकरण दो से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा, समीकरण चार। समीकरण तीन में पाई का विषम अपव्यर्थ तथा समीकरण चार में पाई का सम अपव्यर्थ शामिल है, अतः दोनों को मिलाने पर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा का व्यापक हल मिलेगा, जो कि इस प्रकार होगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू अल्फा, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई या फिर एन जो है वो पूर्णांक संख्या है। यदि साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा हो तो साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ माइनस अल्फा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमें मिल सकता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू
माइनस अल्फा, और यदि इसे सरल करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस माइनस वन का पावर एन इंटू अल्फा, और यदि कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा हो, जहां अल्फा समीकरण को संतुष्ट करने वाला न्यूनतम मान हो, तो स्पष्ट है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा होगा। अतः कोसेक थीटा इक्वल टू कोसेक अल्फा का व्यापक हल होगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू अल्फा। उन कोणों के लिए व्यापक व्यंजक ज्ञात करना जिनकी कोज्या एक ही है। माना कि समीकरण कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है, जहां अल्फा समीकरण को संतुष्ट करने वाला न्यूनतम कोण है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले का उपयोग करके इसे हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इंटू साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। फिर यहां पर दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है, तो इसे हम आगे लिखेंगे साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो, या फिर साइन अल्फा माइनस थीटा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। तो यदि साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो है, तब हमें हल मिलेगा थीटा प्लस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई है। इसे आगे सरल करें तो हमें मिलेगा थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू टू एन पाई, और थीटा इक्वल टू टू एन पाई माइनस अल्फा। इसे हम समीकरण एक का नाम देते हैं। यदि अल्फा माइनस थीटा अपॉन टू इक्वल टू जीरो है, तब साइन थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू जीरो। तो इसे हल करने पर हमें मिलेगा थीटा माइनस अल्फा अपॉन टू इक्वल टू एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई है। अब यहां पर जो दो है इसे पक्षांतर करें तो हमें मिलेगा थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू टू एन पाई, आगे थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस अल्फा। ये समीकरण दो। तो समीकरण एक और दो दोनों में पाई का सम अपवर्त शामिल है, अतः कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का व्यापक हल होगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई है। यदि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा लिख सकते हैं। इसलिए थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई माइनस अल्फा। और यदि सेक थीटा इक्वल टू सेक अल्फा हो, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होगा। इस तरीके से थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा इसका सॉल्यूशन होगा। उन सब कोणों के लिए व्यापक व्यंजक ज्ञात करना जिसकी स्पर्शज्या एक ही है। माना कि समीकरण साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, जहां अल्फा समीकरण को संतुष्ट करने वाला न्यूनतम कोण है। इसलिए टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, इसे सरल करेंगे या फिर टेन अल्फा को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो हमें मिलेगा टेन थीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू जीरो। अब टेन को साइन अपॉन कॉस के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, तो आगे हमें मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। यदि इसमें हम एलसीएम ले तो ये हमें मिलेगा कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा। तो आगे सरल करने पर हमें मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा अपॉन कॉस थीटा कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो। ये कॉस थीटा कॉस अल्फा का तिर्यक गुणा कर देते हैं तो आगे हमें मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। अब ये देखिए कि ये साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो इस तरीके से इसे हम आगे लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो पहले हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई होता है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई है। अतः टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जो व्यापक हल है वो हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। यदि tan थीटा इक्वल टू माइनस टेन अल्फा हो, तो tan थीटा इक्वल टू टेन ऑफ माइनस अल्फा लिखा जा सकता है। इस प्रकार इसका हल हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा, जहां n बिलोंग्स टू i है। और यदि cot थीटा इक्वल टू cot अल्फा हो, तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होगा। इस प्रकार इसका जो व्यापक हल होगा वह होगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, जहां पर n बिलोंग्स टू i है। समीकरण साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल। तो दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस साइन अल्फा।
अब इसमें दो अलग अलग स्थिति है, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो पहले को लेकर के चलते हैं, यदि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फा, इसे समीकरण एक नाम देते हैं। और यदि साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा हो तो जो हल है वो कुछ इस प्रकार मिलेगा, थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस माइनस वन का पावर एन अल्फा, ये समीकरण दो। समीकरण एक व दो को मिलाकर लिखने पर थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई होगा। तो इस प्रकार साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल हमें मिला थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां एन बिलोंग्स टू आई है। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर अल्फा का भी व्यापक हल थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। समीकरण कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और कोसेक स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। तो इस तरीके से आगे हमें मिलेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। इसे और आगे सरल करें तो हमें मिलेगा कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, और पूर्व में हमने पढ़ा था कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो हल जो मिलता है वह होता है थीटा इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इस तरीके से यहां पर हम सरल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 थीटा इक्वल टू 2 एन पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, और सरल करने पर मिलेगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां एन बिलोंग्स टू आई है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक अल्फा का भी व्यापक हल थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा ही होगा। समीकरण टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल तो दिया है कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा, तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। तो यदि टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा मिलेगा, ये समीकरण एक। और यदि टेन थीटा इक्वल टू माइनस टेन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा होगा, ये समीकरण दो। समीकरण एक व दो को मिलाने पर थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये व्यापक हल होगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा का। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा का भी व्यापक हल थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। तो इससे यह स्पष्ट है कि द्विघाती समीकरणों साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा इत्यादि का व्यापक हल थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा है। तो इस तरीके से हम इन सूत्रों का या इन समीकरणों के हल का एक टेबल बना सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू जीरो तो थीटा इक्वल टू एन पाई, जहां पर एन बिलोंग्स टू आई। तो इन आगे सभी हलों के लिए एन बिलोंग्स टू आई है। कॉस थीटा इक्वल टू जीरो तो थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू इसका हल होगा। टेन थीटा इक्वल टू जीरो तो थीटा इक्वल टू एन पाई। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू अल्फा होगा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा होगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो तो सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और अंत में कॉस थीटा इक्वल टू वन हो तो थीटा इक्वल टू टू एन पाई इसका हल होगा। विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमितीय समीकरण, जिसमें पहला प्रकार देखते हैं, वे समीकरण जिनमें चर कोण एक ही त्रिकोणमितीय फलन हो। इस प्रकार के समीकरणों को ऐसे रूप में प्राप्त कर लेते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों के घात धनात्मक पूर्णांक हो, तथा रूपांतरण द्वारा केवल साधारण फलन साइन थीटा कॉस थीटा या टेन थीटा में एक रह जाए।